सत्र 19-21 के लिए आज मुझे अध्यक्ष घोषित किया गया। कुल 3 प्रत्याशियों द्वारा फॉर्म खरीदा गया था, लेकिन नामांकन सिर्फ मेरे द्वारा ही किया गया, इसलिए मुझे आज यहाँ अध्यक्ष घोषित किया गया है। और फिर से पूरा 19-21 की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, चावासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की। मैं आपके माध्यम से अपने सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने 19-21 में भी बहुत सारे कार्य किए हैं चैम्बर के लिए, और सत्र 19-21 के लिए भी जो हमारे 17-19 में जो कार्य अधूरे रह गए थे, 19-21 में उस कार्य को पूरा करूँगा। चैम्बर का कुछ सपना था जो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ उसे पूरा करने का, जैसा कि इंडस्ट्रियल पार्क, चैम्बर भवन। इस सत्र में मैं थोड़े से आगे बढ़ करके ये उम्मीद दिलाता हूँ कि इंडस्ट्रियल पार्क और चैम्बर भवन का सपना इस सत्र में सच होगा। सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, चुनाव कमेटी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अथक प्रयास है इतना सुंदर आज पूरी का समिति का निर्वाचन किया है। ये भी एक चावासा चैम्बर के लिए एक मिसाल है कि सर्वसम्मति से आज पूरी कमेटी को निर्वाचित किया गया। ये भी एक ऐसा मिसाल है कि लोगों ने स्वेच्छा से कहा कि कुछ पदों के लिए चुनाव कराना है तो अनावश्यक खर्च से बचा जाए, क्योंकि कुछ ही सदस्य कुछ ही पदों पर चुनाव होने की संभावना हो रही थी, तो उस पर जो प्रत्याशी थे उन्होंने स्वेच्छा से लॉटरी के माध्यम से अपना अपना निर्वाचन करा लिया, और जो निर्वाचित नहीं हो सके उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस सत्र में वो भी चावासा चैम्बर के महत्वपूर्ण सदस्य की भूमिका निभाएंगे, उनके ऊपर भी प्रमुख जिम्मेदारियाँ दी जाएगी। धन्यवाद।